हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तेरे आज मु पूर्ण थर नहीं आसी आपन को पई 50 टी इंपोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर जहाँ कि निश्चित भाव आपन को एग्जाम रे हेल्प करबो। तेरे चलो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी देखा। द मिनिमम नंबर्स ऑफ रोज एंड कलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज है से कौन कौन क्वेश्चन है जे मिनिमम नंबर्स रो माने केतेटा हमरो रो अछि आ कॉलम रोई पाइबो हैला मिनिमम केतेटा रो आ कॉलम रोई पाइबो कोउतरे ना एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट रे। तबे देखो ऑप्शन कोन रहै छी 1 एंड 1 1 एंड 2 2 एंड 1 आ 2 एंड 2। तो राइट आंसर इज हमरो एटी ऑप्शन 1 हैला ऑप्शन ए इज हमरो राइट आंसर जे मिनिमम हमरो गोटे रो आ गोटे कॉलम थिबा दरकार कोउतरे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही हाउ मेनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम जे तुम्हें केतटा हमरो कॉलम को इंसर्ट कर पारिबो कोथे वर्ड डॉक्यूमेंट्स रे हला मैक्सिमम केतटा कॉलम तुम्हें इंसर्ट कर पारिबो। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 40। तो आंसर इज ओनली ऑप्शन सी। ठीक है सी आंसर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो मिनिमम कितना कर पेरियो सॉरी मैक्सिमम कितना कर पेरियो मैक्सिमम 45 टा हे पेरियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ले देखिबा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज ऑन फॉर्मेटिंग टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार हला से कौन बोची हमरो जे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कार नाम रो फॉर्मेटिंग टूल्स ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार रो हला केते ही पाइबो। ऑप्शन ए 8 and 68, ऑप्शन बी 8 and 72, ऑप्शन सी 6 and 72, ऑप्शन डी 6 and 68। तो राइट आंसर होबे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होबे ऑलरेडी राइट आंसर 8 and 82। ए कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज डैश। ऑप्शन ए रेज्ड, ऑप्शन बी आउटलाइन, ऑप्शन सी कैप स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी सुपर स्क्रिप्ट। तो ये आंसर है जो हमर कौन ऑप्शन डी सुपर स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी राइट आंसर। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी सुपर स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी राइट आंसर। सिलेक्टिंग टेक्स्ट मींस सिलेक्टिंग हला सिलेक्टिंग टेक्स्ट कोले आमे कोन बुझा जो टेक्स्ट को सिलेक्टिंग करा जे सुडा आमे कोले कोन बुझवा। ऑप्शन ए ए वर्ड, ऑप्शन बी एन एंटायर सेंटेंस, ऑप्शन सी होल डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो सिलेक्टिंग टेक्स्ट कोले आमे कोन हबो आंसर हबो एनी ऑफ द अबव। तो उपरोक्त मधुर जे कोन सी कोटे हला तुम सिलेक्टिंग टेक्स्ट कोले कोटे वर्ड को बुझी पेलो कोटे सेंटेंस को बुझी पेलो टोटल डॉक्यूमेंट को पेलो। काहे कि देखो तुम जते सिलेक्ट करबो कोटे टेक्स्ट अर्थात कोटे वर्ड को तुम सिलेक्ट कर पारो नचे कोटे सेंटेंस को भी तुम सिलेक्ट कर पारो नहले टोटल डॉक्यूमेंट गुडा भी ऑल सिलेक्ट तुम कर पारो हला। त सिलेक्टिंग टेक्स्ट कोले होले एटा हिबार कि बेटा हिबार कि बेटा हिबार त सबडा भितर गोटे हेले चलबो त एनी ऑफ द अबव तीनडा भितर गोटे हेले हो त राइट आंसर इज ऑप्शन MS Word automatically moves the text to the next line when it reaches the right edge of the screen and is called. Option A carriage return, option B enter, option C word wrap, option D none of these. The answer is word wrap. Option C is already correct answer. यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन रीच जितने फाइंड कमांड को तुम्हें वर्ड यूज करोटे ऑप्शन ए कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी सिंबल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हला फाइंड कमांड को यूज कर तुम्हें कैरेक्टर्स फॉर्मेट कि सिंबल जो जगह पहुंच पार इन एमएस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प एमएस वर्ड रे रूलरटा कौन हेल्प करे। ऑप्शन ए टू सेट टैब्स, ऑप्शन बी टू सेट इंडेंट्स, ऑप्शन सी टू चेंज पेज मार्जिन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हला।
All of these you already correct answer. The next question kon rahi chi? By default, on which page the header or the footer is printed? Header or footer ta by default ko page re print hue. Option A in first page, option B in alternate page, option C on every page, option D on none of these. The right answer is on every page. ठीक है जी. Right answer हो गया हमारा on every page. Which menu is MS Word can be used to change character size and typeface? तो right answer है वो कौन हमारा format. जो format menu रही जी, तो format menu टा कौन हुए? Use हुए कौन पाई? हमारा change character size and typeface को change कर जाए पाई हमारा format menu को use करा जाए. Which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word? MS Word रे नया paragraph अमरो start करे पाई तो हमें को की टा press करिबो. Option A down cursor की, option B enter की, option C shift plus enter, option D control plus enter. तो right answer जो कौन बोलते right answer जो option B. Option B enter की ही जो already correct answer. Which of these toolbars allows changing of fonts and their sizes? Option A standard, option B formatting, option C print preview, option D none of these. The right answer kon hai beta? Right answer is option B formatting. Formatting is already correct answer. Next question kon hai chi? Which bar is usually located below the title bar that provides categorized option J title bar tole amaro ko bar ta thai. Option A menu bar, option B status bar, option C toolbars, option D scroll bar. To right answer jodi option A amaro menu bar is jodi amaro correct answer. Next question kon likhiba, which option in file pull down menu in used to close a file in MS Word? Option A new, option B quiet, option C close, option D exit. Right answer abo eti kon amra option C close ejibo amra right answer. Close option ta kon kora jay amra close option in file pull down menu in which to close file in MS Word. To koda use kora jay amra close ta ko. What is the function of control plus B in MS Word? Control plus B a function kon in converts selected text into the next large size of the same font. It adds a line break to the document. It makes the select text bold. It applies italic formatting to the selectors. Dekho control plus B koile amar je jati ko text sob sob kon hai jo amra bold hai wala. To right answer hai jo kon hai amra option C is already right answer. जितने तरह में control plus B choose करें जितने तरह कौन है जो हमारा सिवला सब bold है जो. Graphics for word processor. Graphics for word processor. कोई ले कौन? Peripheral. अगर जो graphics है जो word processor है उनका कौन? Peripheral, clipart, highlight, execute. तो आंसर आ गया उठे हमारा clip art हला clip art clip art clip art हवा ऑलरेडी राइट आंसर. ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर उस कौन हमारा clip art. जो वर्ड प्रोसेसर में जो ग्राफिक्स है ये कौन बजाय हमारा clip art बजाय. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड 97 to 2003? ऑप्शन ए डॉट, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी डॉन, ऑप्शन डी टेक्स्ट. तो ये आंसर इज ऑलरेडी ऑप्शन बी डीओसी बाय डॉक्यूमेंट जब हम कोचे सेटा इज ऑलरेडी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज्ड फॉर. कंट्रोल प्लस डब्ल्यू टा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे हला कोड पे यूज हुए. देखो राइट आंसर इज हमरा क्लोज द करंट विंडोज. जो जो विंडोज टा हमरा बाहर की थी जो विंडो टा बाहर की थी सेटा क्लोज करे पे हमरा कौन करा जाए हमरा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को यूज कर जाए हला. तो आंसर इज जुड़ा हो क्लोज द करंट विंडो. व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्पेल चेक इन एमएस वर्ड. जे एमएस वर्ड रे स्पेल को चेक करे पाई तो मैं को शॉर्टकट की टा
यूज कर ऑप्शन ए एफ वन ऑप्शन बी एफ टू ऑप्शन सी एफ सेवेन ऑप्शन डी एफ नाइन तो राइट आंसर ऑप्शन सी एफ सेवेन है एम एस वर्ड स्पेल चेक करने में तुम्हें एफ सेवेन को यूज कर द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एट वाट टेबल कैन हैव इज ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी टू रोज एंड वन कॉलम्स ऑप्शन सी टू रोज एंड टू कॉलम्स ऑप्शन डी वन रोज एंड वन कॉलम तो आंसर है जुड़े हमारा ऑप्शन डी वन रोज एंड वन कॉलम तो इट इज ऑलरेडी करेक्ट आंसर नेक्स्ट कौन से देखियो हमें इन एमएस वर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट इज यूज्ड टू ऑप्शन ए delete the select item permanently without placing the item in the recycle bin eta hocche amara right answer is wala koda amara option a je tumhe recycle bin ko na dekhi direct to delete khoi jao kon amara shift plus jodi delete mane seta direct delete is wala empty delete mane recycle bin ko prathome jae seti mane jaiki delete mara bai pade kintu je tumhe shift plus delete mara ducho tale totally ऑटोमेटिकली पूरा पूरी क्लियर है जो रिसाइकल बिन को जीवो नहीं तो सेट है जो ऑनली करेक्ट आंसर इन एमएस वर्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड कमांड यूज्ड इज ऑप्शन ए हो राइट आंसर हमर कोन कंट्रोल प्लस राइट एरो हला कंट्रोल प्लस राइट एरो यूज करा जाय तले कमांड पे को कमांड यूज करे कंट्रोल प्लस राइट एरो What is the default number of lines to draw for drop cap? जे default number of line कोड़ा option A option 3, 10, 15, 20 तो answer है जो हमारा 3 है ना जे what is the default number ना 3 टाउस default number of line to draw for drop cap Why are headers एंड फुटर्स यूज इन डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट रे हेडर्स और फुटर्स को कोथ पे यूज करा जाए तो राइट आंसर जो कौन होची ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर कौन पे राइट आंसर ऑप्शन डी टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट्स व्हेन इट्स प्रिंटेड तो इट इज ऑलरेडी करेक्ट आंसर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप देखो ड्रॉप कैप पे तुम कितने मैक्सिमम ऑफ लाइन का तुम सेट कर पाओगे ऑप्शन ए 10 ऑप्शन बी 15 ऑप्शन सी 20 ऑप्शन डी अंडरलाइन तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 ऑप्शन ए 10 ही हो जाएगा करेक्ट आंसर हाउ कैन यू इंसर्ट ए साउंड फाइल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट जे तुम्हें केमती इंसर्ट कर पाओगे साउंड फाइल का वर्ड डॉक्यूमेंट रे ऑप्शन ए From insert sound menu option, option B. From insert file menu option, option C. From insert object menu option, option D. None of these. So it is your option C. It is your right answer. Either we use कोई तो हमें insert कोई पहले उठे sound file word document रहे. A template stores template कोगा store करे. Option A. Graphics, text, style, macros. ऑप्शन बी कस्टमाइज वर्ड कमांड सेटिंग ऑप्शन सी ऑटो टेक्स्ट सेंटेंस ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो राइट आंसर जो ऑल ऑफ दिस हला ए तीनटा सारे जे हले भी हम कोन कर पाइबा टेम्पलेट रे स्टोर रे टेम्पलेट रे स्टोर करके रखता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम्स तुम्हें कॉलम्स के मध्य जो वर्टिकल सेपरेशन कहले कोन बुझो तो आंसर जो है मार्जिन हला मार्जिन जो आंसर जो कॉलम गुड में जो वर्टिकल सेपरेशन गुड अछि से को हम कोन को ना मार्जिन बोली कहिताउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कोडा को आंसर हम रेडी ना एटा जो करेक्ट आंसर हला एटा हो कोन हमर गुटे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट्स एफ एट की थ्री टाइप सिलेक्ट कौन हमारा सिलेक्ट ए सेंटेंस गोटे सेंटेंस को सिलेक्ट करने तुम्हें तो कौन कर पार आम जो एफ एट की अच्छे से थ्री टाइम तुम्हें सिलेक्ट कर पार थीसर्स टूल इन एम एस वर्ड इज यूज फॉर ऑप्शन ए स्पेलिंग सजेशन जो से टूल टा रही है कौन यूज कर जाए हमारा स्पेलिंग सजेशन यूज कर जाए ऑप्शन ए स्पेलिंग सजेशन यूज करेक्ट आंसर
which of the following is not valid version of MS Word? नुदर कोडा हमरो MS Word रो valid version है. Office 2003, Office Vista, Office 2007, none of this. तो आंसर इज वाला Office Vista. Office Vista इज जो हमरा राइट आंसर. एटा कोन हमरा जो MS Word होई छी तार उठे valid version नो. हला बाकी Office 2003, Office 2007 होई छी हमरा valid version. What features helps you to insert the contents of the clipboard as text without any formatting in MS Word? तो राइट आंसर इज ऑलरेडी ऑप्शन बी पेस्ट स्पेशल. पेस्ट स्पेशल इज ऑलरेडी राइट आंसर. व्हाट इज प्लेस टू द लैपटॉप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार? व्हाट इज प्लेस टू द लैपटॉप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार? तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, व्यू बटन. हला व्यू बटन इज जोटा हमरो राइट आंसर. व्हिच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड? को फाइल एमएस वर्ड स्टार्ट करला. ऑप्शन हो छि mswd.exe, ए फाइल एमएस वर्ड स्टार्ट करे. हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट? तुम डॉक्यूमेंट को केते प्रकार वेज रे सेव कर पाइबो? ऑप्शन ए तीन प्रकार. हला गुड डॉक्यूमेंट गुडे तमे कोन कर पाइबो? तीन प्रकार रास्ता रे तुम ताको बा तीन प्रकार टाइप रे, तीन टाइप, थ्री टाइप रे तमे सेव कर पाइबो. इफ यू वांट टू keep track of different edition of a document, which feature will you use? तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, वर्जंस. हला जे डिफरेंट एडिशन ऑफ डॉक्यूमेंट तो मैं कोन करे मैं चाहू छो, इफ यू वांट टू कीप तो तुम रखे बे तो ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डिफरेंट एडिशन ऑफ डॉक्यूमेंट तुम ट्रैक कर के रखे बे चाहू तले कोन सा को हाज को हाज ना से फ्यूचर को हम रोज को आ जाए भर्सन. भर्सन्स फ्यूचर को यूज कर ही जा पाए जो होता सेटा करा जीवो. बैकग्राउंड कलर ऑफ इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन प्रिंट व्यू. हला प्रिंट व्यू रे कोन होवे? जो बैकग्राउंड कलर जो इफेक्ट गुड अप्लाइड बाय डॉक्यूमेंट रे सेटा हमर प्रिंट व्यू रे विजिबल होए नाही. व्हाट इज ए पर्सन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन व्हिच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेशन ऑप्शन? तो आंसर इज जोटा हमरा ऑप्शन सी सेक्शन इज ऑलरेडी राइट आंसर. हला द सेक्शन इज अ पर्सन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन व्हिच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन. बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू, जो बॉर्डर्स हमरा अप्लाई करा जाए सभी को कोथे अप्लाई हुए बॉर्डर. हला बॉर्डर कैन बी अप्लाइड टू सेल्स, टेक्स्ट, पैराग्राफ, ऑल ऑफ दिस. तो राइट आंसर होटा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर. तुम सेल ले भी कर पाइब, टेक्स्ट ले पैराग्राफ भी बॉर्डर से अप्लाई कर पाइब, तेनो ऑल ऑफ दिस इज योर राइट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन? ए भी कोडा पेज मार्जिन को टाइप नहीं है. तो ऑप्शन इज सेंटर है, राइट, लेफ्ट और टॉप था यहां पर कौन मार्जिन था? तो मार्जिन राइट रे राइट साइड रख पाइब, लेफ्ट साइड रख पाइब, टॉप रे रख पाइब पेज रे. तो राइट साइड मार्जिन छेड़ पाइब, लेफ्ट साइड छेड़ पाइब, ऊपर छेड़ पाइब, किंतु सेंटर रे मार्जिन दे पाइब नहीं. तो राइट आंसर हो गया हमरा सेंटर. व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट? तो आंसर है हमारा 1.25. हला 1.25 हो हमारा राइट आंसर. 2003 जो रही छ हमरा सर ऑटोमेटिक और 1.25 कोन है जो मार्जिन तमे से ऑटोमेटिक ही छाड़ के आसीबो. पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को ले कौन बुझो? नेटा होसी पेज ओरिएंटेशन. हला पेज ओरिएंटेशन हो छ हमरा कौन? पोर्ट्रेट्स आउ लैंडस्केप. If you need to change the typeface of a document, which menu will you choose? तो तुम typeface को change करने पर जाओ, जब ले code आपको तो मैं use करियो comment आपको. तो answer हो जाएगा हमारा format menu. Format menu हो जाएगा हमारा right answer. तो तुम change करने पर जाओ जो typeface को तो ले format menu आपको use करियो. Which of the following is not a font style? ए मतलब तो कोड का फॉन्ट स्टाइल है, तो एटा सुपर स्क्रिप्ट बोल्ड इटैलिक रेगुलर का फॉन्ट स्टाइल के, तो सुपर स्क्रिप्ट हो छ फॉन्ट स्टाइल में. तो आंसर इज ऑलरेडी सुपर स्क्रिप्ट. सुपर स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी राइट आंसर. हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड? तो राइट आंसर इज हमरो ऑप्शन है प्रेस यस सी टू डिसेबल. हला तो यस यस सी की टाइप में प्रेस करने से कौन है जो
एक्सटेंड सिलेक्शन नाम कौन है जो डिजेबल है जो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप तो आंसर है जो हमारा 10 हला मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन हो सकते ना 10 व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप डिफॉल्ट नंबर कहते ना हमर 3 हो छि डिफॉल्ट नंबर एटा हो छि राइट आंसर जे जीवो 3 हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम मैक्सिमम केतरा पर बेरो कॉलम ना हमर 45 टा हला क्वेश्चन टा रिपीट इज देखो 45 टा मैक्सिमम कॉलम रख पेरो लास्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग टूल बार तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर एटा भी रिपीट इज क्वेश्चन टा भूल ले तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर तो एतला आज रो 50 टा क्वेश्चन आंसर तबे पूर्ण तरह नेक्स्ट क्लास देखाबो आउ किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित तबे से पर्यंत रहउ छी थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग